सिद्धार्थनगर जिले में पहली बार आज पहुंचे बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र यदुवंशी का युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनोज मौर्य की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जिले के सीमा पार जोरदार स्वागत किया। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बांसी कस्बे में लगे माधव बाबू की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की वर्तमान सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है। सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने पूर्ववर्ती गैर बीजेपी सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे सफाई के लोग रहे हों या मायावती जी रही हों, सभी लोगों ने युवाओं के साथ धोखा किया। युवाओं की सच्ची हितैषी अगर कोई सरकार है तो वो बीजेपी की है। न्यूज़ फ्रीडम के लिए सिद्धार्थनगर से सद्दाम खान की रिपोर्ट। राहुल जी सर चार पाँच साल से हमारी केंद्र की सरकार है और इधर एक डेढ़ साल से जो हमारी प्रदेश की सरकार है इसने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे मुद्रा लोन योजना है, स्टैंड अप योजना है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है और स्टार्टअप इंडिया है। इंक्यूबेटर संस्कृति की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, 8 जगह इंक्यूबेटर चल रहे हैं। इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि जो लोग सक्षम नहीं है उतने और इंजीनियरिंग और मेडिकल और अच्छे कॉलेजेस से, जो एक सैफई का खानदान यहाँ पर राजनीति कर रहा था, युवा उसको बड़े मन से लेकर के आए थे, वो जवाब दे नहीं है, उसने सैफई के लोगों की नौकरी खाली लगाई। मायावती जी ने अपने रिश्तेदारों की नौकरी खाली लगाई। राहुल गांधी जी और जो उनके पिताजी के मित्र लोग थे उनके खानदानों में समृद्धि आई, लेकिन उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में समृद्धि नहीं आई। हम लोगों का सौभाग्य है कि देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनका कोई। अब आपका न्यूज फ्रीडम चैनल कभी भी कहीं भी देश विदेश में बिजनौर में उत्तर प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर लॉग इन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज फ्रीडम चैनल और बने रहिए हमारे साथ अपने क्षेत्र की खबरों के लिए।